नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद ऋषभ तिवारी के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास टेंथ के ए टाइगर इन द जू पोएम का अध्ययन कराएंगे। जिन बच्चों ने मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ऋषभ तिवारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी क्रम में हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये एक पोएम है, ए टाइगर इन द जू। ये थर्ड पोएम है, तीसरी पोएम है ए टाइगर इन द जू। और इस पोएम में 1, 2, 3, 4, 5 स्टैंजा हैं, यानी इस पोएम में आपके 5 स्टैंजा हैं और 5 स्टैंजा यानी 5 स्टैंजा का हम हिंदी अनुवाद करेंगे और बहुत अच्छे से हिंदी अनुवाद करेंगे ताकि आप लोग जब स्टैंजा आपके पास आए, यानी ये जो 4 लाइन आए इसके बाद इसके क्वेश्चन जो आएंगे तो उस क्वेश्चन के आप आंसर इजीली पूरे दे सकें। तो चलिए हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। क्या नाम है? ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर एक बाघ, इन द जू, जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर में एक बाघ। पहला स्टैंजा ये है और सेकेंड स्टैंजा ये वाला है। तो पहले स्टैंजा के बारे में पढ़ेंगे। ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ही स्टॉक्स, ही मीन्स वह, स्टॉक मीन्स सन से चलता है, स्टॉक मीन्स सन से चलता है, इन मीन्स में, हिज मीन्स अपनी, विविड चमकीली, स्ट्रिप्स मीन्स धारियाँ, वह अपने चमकीली धारियों के साथ सन से चलता है। द फ्यू स्टेप्स कुछ कदम, ऑफ हिज केज अपने पिंजरे के, वह अपने पिंजरे के कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ सन से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, ऑन पैड्स उसके पैर, ऑफ वेलवेट गद्देदार हैं, मुलायम हैं, उसके पैर गद्देदार मुलायम हैं। आगे लिखा है क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है शांत, यानी इसका मतलब हो जाएगा इसीलिए वह शांतिपूर्वक चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसके पैर मुलायम व गद्देदार हैं। वह अपने पिंजड़े में कुछ कदम अपने पिंजरे में अपनी चमकीली धारियों के साथ शांत से चलता है। वह कुछ कदम अपने पिंजरे में चमकीली धारियों के साथ शांत से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट उसके पैर गद्देदार मुलायम हैं। आगे क्वाइट लिखा है, इसका मतलब इसीलिए वह शांतिपूर्वक चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स होता है शांत और रेज मीन्स होता है क्रोधित, यानी इसका मतलब हो जाएगा वह क्रोधित दिखता है परंतु शांत रहता है। रेज मीन्स क्या होता है? क्रोधित। और क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत, यानी वह क्रोधित दिखता है परंतु शांत रहता है। अब एक बाघ है वो चिड़ियाघर में बंद है, तो अब अंदर अगर उसको क्रोध भी आएगा लेकिन तब भी वो क्या रहेगा? शांत तो रहेगा, उसके अंदर तो कुछ कर नहीं पाएगा पिंजड़े के अंदर। यानी ही स्टॉक्स वह शान से चलता है इन एज विविध स्ट्रिप्स अपनी चमकीली धारियों के साथ, वह अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स कुछ ही कदम, ऑफ हिज केज अपने पिंजरे के, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट उसके पैर गद्देदार हैं, मुलायम हैं, इसीलिए वह शांत से चलता है, शांतिपूर्वक चलता है। इन एज क्वाइट रेज, वह क्रोधित होता है परंतु शांत दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टैंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पंप डियर पास। इस पहले वाले स्टैंजा में कवि ये कल्पना करता है कि जो बाघ है ये पिंजड़े में बंद है, और सेकेंड स्टैंजा में कवि ये कल्पना करता है कि बाघ जंगल में। अगर जंगल में है तो क्या होगा? यानी कवि कल्पना करता है, क्या कल्पना करता है? ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मीन्स होता है छिपा होना, छिपा होना।
इन शैडो छाया में, यानी छिपा छिपकर बैठना, लड़की में होता है छिपकर बैठना या छिपा होना। तो वह छाया में, छाया किसकी, वह जंगल की छाया में छिपा छिपा बैठा होगा। वह जंगल की छाया में, इन साइडो मीन्स होता है छाया, जंगल का जिक्र नहीं हुआ, पर ये छाया किसकी होगी, जंगली की तो होगी, जो जंगल में कल्पना कर रहा है, कभी कभी ये कल्पना करता है कि जो बाघ है वो जंगल में है, तो यानी वह जंगल की छाया में छिपा बैठा है, छिपा बैठा होगा, है ना, कल्पना कर रहा तो छिपा बैठा होगा। वह जंगल की छाया में छिपा बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन होता है सरक कर, और थ्रू मीन माध्यम से, लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास मीन होता है लंबी घास। नियर द वाटर होल, नियर मीन्स के पास, या पास में, द वाटर होल पानी के गड्ढे या जलाशय, यानी वह किसी जलाशय के पास, वह किसी जलाशय के पास लंबी घास में सरक रहा होगा। क्या मतलब, वह किसी जलाशय में, नियर द वाटर होल, वह किसी जलाशय के पास, वह किसी जलाशय के पास, नियर द वाटर होल, नियर मीन्स के पास, द वाटर होल जलाशय, या पानी के गड्ढे, पानी के गड्ढे को बोलते जलाशय, वह जलाशय के पास लंबी घास में क्या कर रहा होगा, स्लाइडिंग कर रहा होगा, सरक रहा होगा। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ, वेयर मीन्स जहाँ पर, प्लम्प मीन्स मोटे ताजे, डियर मीन्स हिरण, पास मीन्स गुजरते हैं, जहाँ पर मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं, यानी कल्पना जो कभी करता था कि वो जंगल में होगा, तो जंगल में क्या कर रहा होगा, वो किसी जंगल जंगल की छाया में छिपा बैठा होगा। फिर क्या कर रहा होगा, तो वो किसी जलाशय के पास लंबी घास में सरक रहा होगा, यानी शिकार के लिए बैठा होगा। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। तो दो स्टंजा हो गए, तीसरा स्टंजा, इस स्टंजा देखिए क्या है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट पंक्स हिज क्लॉज टेरोरिंग द विलेज। ही शुड बी स्नार्लिंग एंड हाउस अराउंड हाउसेस, अराउंड मीन्स चारों ओर, हाउस मीन्स घरों के, घरों के चारों ओर स्नार्लिंग क्या गुर्रा रहा होगा, यानी वह घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। स्नार्लिंग मीन्स गुर्राना, अराउंड हाउसेस मीन्स होता है घरों के चारों ओर, तो वह घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। एट द एज जंगल्स, जंगल्स जंगल के एज मीन्स किनारे, यानी जो घर, यानी वह जंगल के किनारे स्थित घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। वह जंगल के किनारे पर स्थित घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। बेयरिंग हिज वाइट फंग्स हिज क्लॉज टेरोरिंग द विलेज, टेरोरिंग मीन्स डराना, द विलेज गांव के लोगों को, गांव के लोगों को डरा रहा होगा। कैसे डरा रहा होगा, बेयरिंग हिज वाइट फंग्स, बेयरिंग मीन्स होता है दिखा करके, हिज वाइट फंग्स अपने सफ़ेद दांत, फंग्स मीन्स दांत, हिज क्लॉज अपने क्या, क्लॉज मीन्स, क्लॉज मीन्स आपका होता है पंजे, तो यानी वह अपने सफ़ेद दांत और पंजे दिखा करके गांव के लोगों को डरा रहा होगा। वह स्टार्टिंग पढ़ा रहे हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल से, यानी वह जंगल के किनारे स्थित घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। बेयरिंग हिज व्हाइट फंग्स हिज क्लॉज टेरोरिंग द विलेज, वह अपने सफ़ेद दांत और पंजों को दिखा करके गांव के लोगों को डरा रहा होगा। सेकेंड स्टंजा आपका बट वाला, ये वाला है, बट ही इज लुक लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, 1 मिनट, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, बट ही इज लॉक्ड, बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वह बंद है, उसे बंद कर दिया गया है, इना कंक्रीट सेल, कहाँ, कंक्रीट की कोठरी में, इना कंक्रीट से, सेल मीन्स होता है कोठरी, कंक्रीट की कोठरी में, उसे, लेकिन उसे कंक्रीट की कोठी में, कंक्रीट की कोठरी में क्या कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ उसकी शक्ति, उसकी ताकत बिहाइंड छिपी हुई है, पीछे होता छिपी हुई है, बार्स
कहाँ बार्स, वो उसका मतलब होता है बार्स मीन सलाखों, यानी उसकी शक्ति ताकत सलाखों के पीछे छिपी हुई है। स्टॉकिंग क्या कर रहा है, चलता रहता है, टहलता रहता है। द लेंथ लंबाई ऑफ हिज केज, पिंजरे की, वह पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता रहता है, वह पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग में होता है अनदेखा करना, विजिटर्स में होता है जो वहाँ पर आते हैं लोग, यानी भ्रमण करने वाले लोगों को, भ्रमण करने वाले लोगों को अनदेखा करके अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में टहलता रहता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उस लेकिन उसे कंक्रीट की कोठरी में लॉक कर दिया गया है, उसकी ताकत सलाखों के पीछे छिपी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वह आगंत, विजिटर्स में से एक तो होता है आगंतु, आगंतुकों, या इसे को बोल दो कि भ्रमण करने वाले लोगों को अनदेखा करके अपने पिंजड़े की पूरी लंबाई में चलता रहता है। लास्ट स्टेशन जाए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस आखिरी आवाज़ एट नाइट, रात में, वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, यानी पेट्रोलिंग कार्स होता है जो कारें गश्त क्या करती हैं, गश्त लगाती हैं, है ना, तो क्या होगा, यानी वह गश्त लगा, वह रात में गश्त लगाने वाली गाड़ियों की लास्ट आवाज़ सुनता है, आखिरी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और स्टेयर्स घूरता है विद हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकदार आंखों से, घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स। चम ब्रिलियंट में तो चमकीले, स्टार्स में होता है तारों को, तो और अपनी चमकदार आंखों से चमकीले तारों को स्टेयर्स करता है, घूरता है, यानी वह ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वह रात में गश्त लगाने वाली गाड़ियों की आखिरी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स हिज विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपने चमकदार आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है, तो ये आपकी पांच, इसमें ए टाइगर इन द जू में, इस पोएम में पांच स्टेंजा थे, कितने स्टेंजा थे, पांच स्टेंजा थे, पांच पांच स्टेंजा थे, हमने सबसे बहुत बढ़िया करा दिए। कौन कौन से बता दे रहे हैं, पहला नंबर का स्टेंजा ये, सेकेंड नंबर का स्टेंजा ये, और तीसरे नंबर का स्टेंजा ये, और चौथे नंबर का स्टेंजा ये, पाँचवें नंबर का स्टेंजा जी, पाँच स्टेंजा हमने आपको करा दिए बहुत अच्छे से। वो इसलिए करा दिए कि अभी इनके क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे कल, तो आप उनके आंसर इजीली पूर्वक दे सकें।